वो भी होगा, वक्त का इंतजार कीजिए, समय पर सब होता है। कहे हुलियाले कठोर न पाके, समय पर कठोर पाके, पकेगा कटहल, समय आने दीजिए, थोड़ा दिन रुकिए, सच सामने आएगा और सब चीज का हिसाब मिलेगा। जब वो भागेगा नंगूठा पहन के यहाँ से, जब जनता उनकी कपड़ा को उतारेगा, तब उन्हें सबक आएगा और वो समय आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़, में आपके साथ आशुतोष आनंद और आज हमारे साथ पड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव जी हैं। और 1932 जो है वो लागू हो गया और इसके साथ ही राजनीति जो है अब चरम पर है। बीते दिन निशिकांत दुबे यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने जो है कुछ तीखा टीका टिप्पणी किया था। आइए इनसे हम जानते हैं 1932 का जो समर्थन करेंगे या तो वो खालिस्तानी होंगे, या तो वो पाकिस्तानी होंगे, या तो वो बांग्लादेशी होंगे, निशिकांत दुबे ने कहा। देखिए, जो खतियानी नहीं है, जिनकी जड़ यहाँ नहीं है, जो फसल काटने के लिए केवल यहाँ आए हैं, इस राज्य को लूटने के लिए आए हैं, उन्हें तो 1932 का खतियान कतई अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें तो लगता है कि अब खतियानी रैयत खतियानी को ही वोट देगा, हम रहेंगे तो कहाँ, नौकरी भी खतियानी को मिलेगा। इस सेंटिमेंट को वो भड़काने के लिए, सेंटिमेंट को दबाने के लिए, इस सेंटिमेंट को डिफ्यूज करने के लिए वो इस प्रकार के अनर्गल बातों को किया करते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। भाई, 1932 की खतियान की लड़ाई आज से नहीं, हमें लगता है जब से यह राज्य बना है। राज्य बनना पहला कदम था इस क्षेत्र के लोगों को हक और अधिकार दिलाने का, और दूसरा कोई महत्वपूर्ण कदम है तो वह 1932 का खतियान है, जो झारखंडियों की पहचान, झारखंडियों के सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीज़ें हैं। और अब तो सरकार ने कह दिया कि 1932 खतियानधारी को ही हम तीसरे और तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की नौकरी देंगे, तो उन्हें लगता है कि जो हमारे लोग नौकरी लूट के बिहार ले जाते थे, बंगाल ले जाते थे, उड़ीसा ले जाते थे, अब मेरा कुछ चलेगा नहीं, तो इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस तरह की बातें वो किया करते हैं। देवघर हो गया, क्या कहते हैं, गोड्डा हो गया, ऐसे दो चार जिले हैं जहां पर कि उनका कहना है कि खतियानी लाभ जो है यहां के लोगों को नहीं मिलना है। हमें लगता है कि सारी बातें झूठी है। भाई, 1932 और 1932 के पहले जो सर्वे हुए सारे मूलवासी हैं, यहां संतालपना का सर्वे भी 1889 में हुआ, 1902 तक वो सर्वे चला है, 1990 से 1902 तक वो सर्वे पूरे झारखंड के संतालपना के कोने कोने का है। जिस कोलान की बात करते हैं, 1925 तक वहाँ सर्वे हुआ है, जो सरायकेला खरसावां जिस समय बंगाल में था उस समय का सर्वे उनके पास है। तो मूल, इसीलिए सरकार ने कहा कि 1932 के खतियानी और उसके पहले के खतियानी को हम हक और अधिकार देंगे, और ऐसे लोग जो मूलवासी हैं, जिन्हें मूलवास जमीन नहीं है, खतियान नहीं है, लेकिन मूलवासी हैं, ग्राम सभा को निर्णय करने का भी अधिकार दिया। हाल फिलहाल में जिस तरीके से आपके घर में छापेमारी हुआ, निशिकांत दुबे ने कहा कि करोड़ों का संपत्ति आपके पास कहाँ रखे हैं छिपाकर, बताते नहीं हम लोगों को। देखिए, ये तो उनसे पूछना चाहिए। इस गोड्डा के जितने मुसलमानों की संपत्ति है सब प्रदीप यादव का बताता है, जितने जादवों की संपत्ति है सब प्रदीप यादव का बताता है। एक बेचारा अदना सा देवेंद्र पंडित है, कहीं रहने का घर नहीं, एक छोटा सा घर है। अब प्रमोद पंडित की वो बात, जो बेचारा रेंजर मर चुका है, विनय बाबू का जो दामाद है, अब उसके घर को दिखा करके वो दूसरों का घर दिखाता है। तो ये बातें, जो छापा मरा है, सबको पता है कि राजनीतिक छापा है। अब उस छापे को सही ठहराने के लिए तरह तरह की उलूल जुलूल बातें करता है। थोड़ा दिन रुकिए, सच सामने आएगा और सब चीज़ का हिसाब मिलेगा। जब वो भागेगा नंगूठा पहन के यहाँ से, जब जनता उनकी कपड़ा को उतारेगा, तब उन्हें सबक आएगा और वो समय आने वाला है। वो तो डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो हम पर मानहानि केस करें, कौन सच्चा कौन झूठा है वो भी हम देख लेंगे। वो भी होगा, वक्त का इंतजार कीजिए, समय पर सब होता है। कहे हुलियाले कठोर न पाके, समय पर कठोर पाके, पकेगा कटहल, समय आने दीजिए।
तो देखिए प्रदीप यादव विधायक जी साफ साफ कह रहे हैं कि समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए, समय पर सब कुछ होगा। फिलहाल जो है राजनीति जो है 1932 पे चरम पर है। अब देखते हैं कि 1932 जिस तरीके से झारखंड में लागू हो गया, ये केंद्र पर लागू होता है या